भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में खुले भ्रष्टाचार, अराजकता, बिजली कटौती, महिला अत्याचार, किसानों की निराशा, पेपर लीक जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर इस सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये सरकार बदले, परिवर्तन हो, आम जन का आशीर्वाद भाजपा को मिले, इस उद्देश्य से राजस्थान में चार स्थानों से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चार परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ कर रही है। हमारे इस क्षेत्र में बेणेश्वर धाम से जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी वो राजसमंद आएगी। बेणेश्वर धाम की परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को प्रातः 11 बजे उसका श्री गणेश होगा। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह उस यात्रा का आगाज करेंगे और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी की अगुवाई में यह यात्रा प्रारंभ होगी। इस यात्रा में हमारी मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा जी भी रहेंगी। यह यात्रा उदयपुर और आज का कहें तो बांसवाड़ा संभाग, भीलवाड़ा उदयपुर का हिस्सा बन गया है और कोटा संभाग, ऐसे पुराने 11 जिलों में 52 विधानसभा में निकलती हुई 19 दिन की यह यात्रा कोटा में अपना सफर पूरा करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम जन जागरण करके इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प दोहराना चाहते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश अभी जंगल राज की तरह चल रहा है। नित नई घटनाएं आम जन को दुखी कर रही हैं, आक्रोशित कर रही हैं। आपके यहाँ रूपम गोल्ड में किस प्रकार से लूटपाट हुई है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस जिले में भी चोरी, लूट, बलात्कार की घटनाएं किस हद तक हो रही हैं ये भी बहुत शर्मनाक स्थिति सरकार की है। दरीबा में केमिकल युक्त पानी, दूषित पानी के कारण कई पंचायतों को स्वास्थ्य में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। हम सबको मालूम है कि दरीबा माइंस में गिन गिन कर, चुन चुन कर कांग्रेस के लोगों की भर्ती और नेतृत्व का यह तय हुआ कि जैसे हमने सीपी जी को यहाँ किया तो बहुत जगह से डिमांड आई, भाई साहब अध्यक्ष जी हमारे यहाँ भी आने चाहिए, तो 5-7 दिन वो उधर भी जा सकते हैं, उधर के नेता इधर आ सकते हैं। क्या है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे रीडिजाइन करना पड़ता है। जैसे वसुंधरा जी की डिमांड भी कहीं से आई तो यहाँ भी बुला रहे हैं बेणेश्वर में, जबकि एक दिन पहले वो त्रिनेत्र में थी। इसी प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम जी मेघवाल है, कैलाश चौधरी जी हैं, हमारे सतीश पूनिया जी हैं, इन सब लोगों की जहाँ जहाँ डिमांड आती है वहाँ पर उन दिनों में यात्रा के अंदर वो लोग रहेंगे। रथ है, उसके साथ 5-7 गाड़ियों का एक व्यवस्थित काफिला है और चार जगह चार रथ, और हर विधानसभा के प्रवेश के द्वार पर यानी प्रवेश पॉइंट पर 200 कमल बाइकर्स युवा मोर्चे के कार्यकर्ता उसी विधानसभा के उसके डिपार्चर पॉइंट तक साथ रहेंगे। ये क्या राहुल गांधी से प्रभावित होकर इस तरह की यात्रा शुरू की? राहुल गांधी तो हमसे प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने कब तो यात्राएं कर ली, क्या कर लिया उसने, पहला प्रयोग किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद। और निश्चित रूप से जनता के बीच में नेताओं को जाना ही चाहिए, पहली बार वो गया है तो अच्छी बात है और जाए। ये इस तरफ वाली जो हो रही है उसमें वसुंधरा जी वहाँ बेणेश्वर रहेंगे? वसुंधरा जी 2 तारीख को
त्रिनेत्र भी रहेंगी और तीन को वेणेश्वर भी एक दिन के लिए वो आएंगी। अमित शाह इस यात्रा को के मुख्य अतिथि होंगे उस दिन, श्री गणेश करेंगे और अमित शाह कुछ रास्ते तक रथ में बैठकर उसमें यात्रा में भी रहेंगे। फिर आगे की पूरी यात्रा में वसुंधरा जी का क्या प्रभाव रहेगा? वसुंधरा जी का अधिकांश जो उनकी यात्रा है जहाँ से वो शुरू कर रही हैं उनमें अधिक समय रहेंगी। बीच बीच में जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार प्रदेश को लगेगा वहाँ इन नेताओं का एक दूसरे स्थान पर उपयोग करेंगे। बेणेश्वर धाम की परिवर्तन यात्रा 2 राजसमंद जिले में यात्रा के 9वें दिन यानी 11 सितंबर को कपासन विधानसभा से रेल मंगरा के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। सायंकाल नाथद्वारा में रात्रि विश्राम और एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। रास्ते में वेलकम पॉइंट पर यात्रा के अभिनंदन के कार्यक्रम संपन्न होंगे। 10वें दिन नाथद्वारा से चलकर राजसमंद विधानसभा में यात्रा रहेगी और राजसमंद के पुराना बस स्टैंड कहते हैं नया कहते हैं मुझे पता नहीं, बस स्टैंड पर एक वेलकम मीटिंग के माध्यम से इस सभा का आयोजन वहाँ पर हम करेंगे। अन्य अन्य स्थानों पर वेलकम पॉइंट होंगे जहाँ हजार हजार दो दो हजार व्यक्ति अभिनंदन करेंगे। उसके बाद ये कुंभलगढ़ विधानसभा में प्रवेश करेगी उसी दिन मतलब 10वें दिन 12 अगस्त 12 सितंबर हाँ, हाँ। और एक ही तो हुई ना राजसमंद हुई है, दूसरी विधानसभा है नाथद्वारा तो हो गई एक दिन पहले। 3 विधानसभा सामान्यतया एक दिन में करेगी और 3-3 घंटे एक एक विधानसभा में ये रहेगी एवरेज, जहाँ विधान जहाँ रात्रि मीटिंग है वो ज़्यादा समय है। उसी दिन कुंभलगढ़ वमती चौराया होते हुए और भीम देवगढ़ का सफर ये तय करेगी। इस प्रकार से ये यात्रा मोटा मोटी 1.5-2 दिन राजसमंद विधानसभा में रहेगी। राजसमंद जिले नहीं, ये रात्रि को विश्राम आसीन जाकर सोएंगे लेकिन पूरा समय यही है। सभा वेलकम मीटिंग्स होंगी वो सभा ही है। आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए तो मैं बता सकता हूँ सारी बात। हमने स्वयं ने प्रवास करके इन सब चीज़ों को डिजाइन कर लिया है। देखिए पहली सभा बड़ी सभा नाथद्वारा में है। कौन आएंगे इसमें अभी मैं नहीं बता सकता लेकिन प्रदेश योजना बना रहा है कि रात्रि की मीटिंग में कोई केंद्रीय स्तर के हमारे मिनिस्टर या अन्य अन्य व्यक्ति आए। जो भी योजना होगी समय पर हम आपको बता देंगे। उसके बाद में नहीं मैं बता देता हूँ, चलो राजसमंद की बात बता देता हूँ। राजसमंद में ये क्या है धार राजसमंद हाँ जी नाथद्वारा अगर राजसमंद समझना है तो बडारडा में एक वेलकम पॉइंट है जहाँ हजारों लोग इसका स्वागत करेंगे। पीपरडा में वेलकम पॉइंट है और कांकरोली बस स्टैंड पर सभा का आयोजन है। यहाँ के अतिरिक्त जैसा आप पूछ रहे थे भीम और देवगढ़ की बात करें तो गोमती चौराहे पर एक बड़ी वेलकम मीटिंग का आयोजन है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ विधानसभा में। प्रॉपर कुंभलगढ़ हेडक्वार्टर नहीं, ये गोमती चौराहे पर, गोमती चौराहे पर। इसी के साथ आगे चलें, देवगढ़ में एक वेलकम मीटिंग है और दिबेर में वेलकम पॉइंट है, पॉइंट है ना है। फिर ये ताल लसानी होती हुई भीम में एक वेलकम मीटिंग है। अब आपकी कौन सी विधानसभा है? चारों ही हो गई ना, हो गई। और हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं फील्ड में कि जो हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक उसके अनुसार इसको यात्रा परमानेंट कौन साथ रहेगा? परमानेंट तो ये मान लीजिए यात्रा सीपी जोशी जी के नेतृत्व में निकलेगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।